मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 30 जनवरी पूरे देश के साथ रीवा में भी शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर देश के शहीदों को याद किया गया। हम आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की आजादी दिलाई थी। आज हम खुली हवा में अपने देश के शहीदों की वजह से ही सांस ले रहे हैं। पूरे देश के साथ रीवा में भी आज शहीद दिवस के अवसर में 2 मिनट का मौन रख स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया गया। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर आज 11 बजे सभी सरकारी दफ्तरों में 2 मिनट का मौन रखा गया। अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमने याद किया, जिसके चलते शहीद दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों पर दोपहर 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया, शहीदों को याद किया गया। इस दौरान नगर पालिका नगर निगम द्वारा सायरन बजाकर लोगों को संदेश दिया गया। जैसे ही सायरन बजा, वैसे ही जो जहां पर था वो वहीं पर ठहर गया। 2 मिनट उसने मौन व्रत रखा और अपने देश के शहीदों को याद किया। 2 मिनट बाद दोबारा नगर निगम का सायरन एक बार फिर बजा, जिसके साथ मौन खत्म हुआ। यह शहीद दिवस सभी शैक्षिक संस्थाओं सार्वजनिक जगहों पर भी मनाया गया। जैसे ही 11 बजे थे, वैसे ही जो जहां था वो वहीं पर ठहर गया। अपने देश के शहीदों को याद करने के लिए आज खास तौर से हम आपको बता दें, हर साल 30 जनवरी देश के शहीदों को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है। ये कार्यक्रम पूरे देश के साथ रीवा में भी उसी तरीके से मनाया गया। इस बारे में हमने रीवा के अपर कलेक्टर नीलमणि से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। क्या है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के लिए ठीक 11 बजे पूरे प्रदेश में और रीवा ज़िले में भी समस्त कार्यालयों में उसी तारतम्य कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 बजे ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया है। उसी तारतम्य समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं अधिकारीगण हम लोग इकट्ठा हुए और अपने शहीदों को याद किया और उनको नमन किया, तथा साथ ही साथ देश भावना हम लोगों के अंदर रहे और हम लोग देश भावना से ओतप्रोत होकर के अपने कार्यालयीन कार्य करें तथा देश की तरक्की में सहयोग करें। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।